नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ समवाय विधि। तो आइए जानते हैं कि आखिर समवाय विधि है क्या। तो दोस्तों, समवाय का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना या मिलाना। तो जो समवाय विधि है, इसे सहयोग विधि, समन्वय विधि और सहसंबंध विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जो समवाय विधि है, इसमें गद्य पद्य के साथ ही साथ व्याकरण की शिक्षा देना ही समवाय कहलाता है। मतलब शिक्षक जो है गद्य पद्य पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो गद्य पद्य के साथ ही साथ बच्चों को व्याकरण की शिक्षा देना ही क्या कहलाता है, समवाय विधि कहलाता है। तो दोस्तों, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शिक्षक बच्चों को गद्य पद्य पढ़ा रहे हैं और वे साथ ही साथ व्याकरण की शिक्षा भी दे, ऐसा मतलब एक साथ दो काम कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी। तो दोस्तों, मान लिया कि किसी गद्यांश में एक एक जो है वाक्य है कि राम अपने माता पिता के साथ विद्यालय जाता है। राम अपने माता पिता के साथ विद्यालय जाता है, यह एक वाक्य आया हमारे गद्यांश में। तो अब हम बच्चों को बताएंगे यहाँ पे कि हमें यहाँ रुक के बच्चों को बताना होगा कि जो यहाँ पे माता पिता आए हैं वे द्वंद्व समास का उदाहरण है। ये शब्द माता पिता द्वंद्व समास का उदाहरण है। और जो विद्यालय शब्द आया है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो इस तरह से हम बच्चों को गद्यांश तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ हम बच्चों को व्याकरण की भी शिक्षा दे रहे हैं। तो दोस्तों, यही समवाय विधि कहलाती है। तो दोस्तों, यह थी समवाय विधि। थैंक यू।